इस स्लाइड में हम बात करेंगे सीटी रेशियो टेस्ट के मुताबिक। सो द रेशियो टेस्ट में हम सिंपली ये चेक करते हैं कि सीटी के सिलेक्टेड रेशियो क्या है। अगर सीटी ऐसे आते हैं साइट पे जो कि मल्टी रेशियो सीटीज है, जिसमें एक से ज़्यादा रेशियो अवेलेबल है, तो उस केस में ऑब्वियसली आप सीटी का टाइप चेंज करेंगे और फिर उसके बाद रेशियो को सिलेक्ट करेंगे कौन सा रेशियो आपको चाहिए। लेकिन अगर सिंगल टैप है तो ऑब्वियसली एक ही रेशो होगा। तो इसका प्रोसेस ये है कि आपको प्राइमरी इंजेक्शन किट चाहिए उसके अंदर, जिसके ज़रिए आप प्राइमरी पे करंट इंजेक्ट करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल रेशो इज ऑफ अ सीटी इज 200/5 एम्पियर्स, तो अगर आप 50 अगर आप 100 एम्पियर इंजेक्ट करेंगे तो उस सूरत में आधा करंट सेकेंडरी साइड पर, यानी 2.5 एम्पियर करंट सेकेंडरी साइड पर अपीयर होगा। सो सीटी रेशियो टेस्ट अगर आप फील्ड में कर रहे हैं और रिले भी कनेक्टेड है, जैसे नॉर्मली होता है पैनल डिलीवर होता है साइट के ऊपर, तो आप ये दो चीज़ें एक साथ देख सकते हैं कि आप उसमें प्राइमरी पे करंट इंजेक्ट करें और उसके बाद सेकेंडरी साइड पे आप चेक करें कि कोई हिजिंग साउंड या नॉइज तो नहीं है। अगर वायर लूज होगी तो ऑब्वियसली चैटरिंग की साउंड सुनाई देगी। प्लस आप सेकेंडरी करंट को मेजर करें कि वो एज पर द रेशियो आ रहा है या नहीं। सेकेंडली आप साथ साथ रिले की कॉन्फ़िगरेशन को भी देख सकते हैं कि जो रिले है आपकी उसके ऊपर जो करंट रीडिंग्स आ रही है प्राइमरी के अंदर और सेकेंडरी के अंदर, वो करेक्ट है या नहीं। अगर नहीं है तो ऑब्वियसली यू हैव टू एंटर द करेक्ट सीटी रेशो इन द रिले। सो ये चीज़ आपको हेल्प करेगी ड्यूरिंग टेस्टिंग भी, और जब फॉल्ट रिकॉर्ड्स हम स्टडी करेंगे तो हमें करेक्ट फॉल्ट करंट लेवल भी मिलेगा इसमें। थैंक यू वेरी मच।